जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें, क्योंकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं कि आपका जो मन बेचैन है उसे आप कैसे। दोस्तों, मन में कई सारे ख्यालात एक साथ चलते हैं। आप कभी भी बिना ख्यालों के, बिना विचारों के जीवन नहीं जी सकते। किसी न किसी काम में आपका मन और विचार, जो मस्तिष्क है, दोनों तालमेल बनाकर उस काम में लगे रहते हैं। सिर्फ वो वक्त होता है जब हम सोते हैं सुबह, तो वो वक्त होता है सुबह, मतलब जब हम रात को सोते हैं, तो वो वक्त होता है जो टाइम में हम सोकर सुबह उठते हैं। सिर्फ वो एक समय ऐसा है कि जब हम कुछ नहीं सोचते, या उस समय ऐसा कुछ जो हम सोचने की क्रिया ये सब बंद होती है, तभी तो हम सो जब सो कर उठते हैं, तब हमें बड़ा रिलैक्स और बड़ा अच्छा महसूस होता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ही यही है दोस्तों। तो हम हमारे विचारों को सकारात्मक करें, क्योंकि जितने नेगेटिव विचार होंगे उतना मन बेचैन होगा, उतने मन से फिर ख्याल उठने शुरू होंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप सकारात्मक सोचें और अच्छा सोचें। जब आप अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, तो जो आपके बेफिजूल के जो बहुत सारे प्रश्न हैं ना दोस्तों, वो सभी प्रश्न नहीं उठेंगे। और वो जब नहीं उठेंगे, तो मन धीरे 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 शांत की ओर जाएगा और मन में एक शांति आएगी। ये पहला बात मैंने आपसे कही। दूसरी बात, फिर भी बेचैन है, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप श्रद्धावान हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप श्रद्धावान हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो इस लिहाज से भी दोस्तों कि ईश्वर के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति होने के साथ ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर का आप नाम, कंटिन्यू नाम जाप करते रहें, कंटिन्यू नाम जाप करेंगे तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो ईश्वर का नाम आप हमेशा रोज लेते रहेंगे। तीसरी बात है, आप फिर भी नहीं हो पा रहा, तो आप है ना एक मंत्र कोई ले लीजिए, उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करिएगा। आप उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करिएगा, मंत्र का जाप करिएगा, जाप करने से कुछ ही दिनों में आपका मन शांति की ओर अग्रसर होगा। चौथी बात, जितने सारी हमारी आवश्यकता है उन्हें कम कर लीजिए। जितनी कम आवश्यकता है हम उतने खुशहाल, उतने अच्छे रहेंगे। इसलिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। अपनी आवश्यकता जितनी सीमित करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा। तो आवश्यकताओं को सीमित करना है आपको। और एक और बात है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है ईश्वर के आश्रित मंदिर दर्शन रोज करें, सकारात्मक सोचे, अच्छा सोचे, बड़ा सोचे, और हमेशा मन में अपने जो चाह है, जो अच्छे विचार उन्हें जिंदा रखें। विचार औषधि का काम करते हैं और हमेशा सकारात्मक माहौल अपने मन में बनाए रखें। अगर आप ये करेंगे, आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।